السلام علیکم ستړي مسی په خیر اخلاست خوشاله او آباد اوسئ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے تو آج میں کیسے اب گراس کاٹتی ہوں کیسے اپنے پودوں کا خیال رکھتی ہوں چونکہ جو میں جو ہوں بلوچستان سے میرا تعلق ہے جہاں پہ بالکل بھی گرینری نہیں ہے تو تقریباً ہر بلوچستانی کو ہر اس انسان کو گرینری پسند ہے جو جس نے دیکھی نہیں ہے زیادہ یہاں پہ ظاہر ہے لوگ تنگ ہے بارشوں سے اس گرینری سے کہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے کام ہوتا ہے تقریباً 15 دن میں جو ہے کاٹنا لازمی ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کمپنیوں کے ذریعے جو ہے گراس کاٹنے کے لیے معاہدہ کیا ہے تو ان کو منتھلی پے کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے 15 دن میں گراس کاٹ لیتے ہیں پودوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن چونکہ مجھے پودوں سے بہت پیار ہے تو ہم لوگ خود اپنے پودوں کا خیال رکھتے ہیں ٹینسی چونکہ بہت ہی لش گرین ہیں بہت سارے جنگل درخت آپ روڈ پہ جاتے رہو تو یہ ہمارے پیچھے بھی جنگل ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں تو اس سائڈ پہ بھی ہیں گھروں کے پیچھے تو یعنی آپ جاؤ تو ہر 10 منٹ 5 منٹ میں آپ کو بڑا سا جنگل بھی نظر آئے گا تو چونکہ ابھی گراس کاٹ رہی ہوں تو یہ برمودا گھاس ہے بہت ہی باریک سا اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہے تو میں مشین تو یہ جو ہے میں بیٹری والا ہے ہمارا ویسے جو ہے یہ بیٹری پہ چارج کر کے پھر چلتا ہے ویسے یہ پیٹرول پہ بھی چلنے والی مشین ہوتی ہے جس کو یہاں پہ پیٹرول کو گیس کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ پیٹرول کا جو ہے وہ نام اوریجنل جو ہے وہ گیسولین ہے جو کہ تو اسی وجہ سے گیسولین سے یہ لوگ گیس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو مینول بھی مشین ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ الیکٹرک چارج کا بیٹری والی مشین ہے جو چارج کر کے تقریباً 1 گھنٹے جو ہے چارج ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے گاس کھا کے یہاں سے آگے کاٹ کے تقریباً 1 گھنٹے میں یہ کٹ جاتا ہے پھر چارج پہ بیٹری رکھتے ہیں تو پھر 1 گھنٹے کے لیے وہ چارج ہوتی ہے پھر ہم لوگ پچھلا حصہ بھی کریں گے تو چلے ہم لوگ اپنا گراس کاٹے گرمی بھی ہے آج بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے اور یہ پورا مہینے کاٹنا بھی نہیں ہے ابھی میرے ہسبینڈ کی باری ہے اس کے بعد شاید پھر میرا بیٹا بھی کرے وہ گیا ہے اب گھر پہ نہیں ہے تو آئے گا اس کی بھی باری لگاتے ہیں
हमारा ग्रास जो है यहाँ से तो कट गया, बस मैंने जितना काटना था वो काट दिया। अभी जो है क्यारियों की बारी है। ये ड्राइव जो है ड्राइवे को आप देख सकते हो, ये हमारे नाइबर के, तो ये भी हम लोग अभी साफ करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि उनका ड्राइवे गंदा हो जाए। तो अभी वहाँ से ग्रास भी जो इजाफी वो ग्रास और बूटियाँ हैं वो भी निकालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पौधे, धूप है तो आप लोगों को इंशाल्लाह नज़र आया आ रहा होगा कि ये मेरे पौधे देखो कैसे प्यारे प्यारे फूल निकल आए। तो अभी प्यास भी इनको बिचारों को बहुत ज़्यादा लगी है, तो आज चूँकि मेरी छुट्टी है मैं घर पे हूँ तो मैं इनको पानी भी दूँगी, काटूँगी भी, और जो इजाफी ग्रास जो है उगे हैं यहाँ पे, ये इजाफी देखें कितना ज़्यादा निकल आया है, तो इस सब को मैं निकालूँगी फिर इनको पानी भी दूँगी। ये देखिए पूरा उसमें इजाफी जो है ये सारे निकल आए, तो इस सबको अभी काटूँगी। तो अभी ये इजाफी जो ग्रास वगैरह और बूटियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं तो ये सारे जो है इसको हम लोग निकालेंगे। वीक के दिनों में बहुत जॉब होता है तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, वहाँ पे बंदा थक जाता है, तो आके थोड़ा सा खाना बना लिया घर में बच्चों के लिए, थोड़ी सफाई बर्तन वगैरह कर लिया, फिर ये काम नहीं हो सकता, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वीकेंड पे जो छुट्टी होती है फिर ग्रोसरी लेके आना और घर की सफाई करना, कपड़े धोना और बाहर का देखभाल करना, तो बहुत मसरूफ ज़िंदगी है, टाइम ही नहीं मिलता आपको। वॉक ट्रैक को वॉकिंग ट्रैक और वो ड्राइविंग से जो घास पड़ा है, ये जो ड्राइवे है पब्लिक के लिए, तो इसको अभी मैं साफ़ करूँगी। वैसे तो ये बहुत अच्छी मशीन मिलती है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी, अभी तो वो मेरे पास नहीं है, तो मुस्तकबिल में इरादा है वो लूँगी कि कितनी आसानी से उसके ज़रिए जो है वो साफ़ होता है। तो अभी तो मैं ब्रश की मदद से कर लूँगी। कि घर के इस साइड पे भी पानी का सिस्टम, नलके का सिस्टम है कि आप पौधों को पानी दे सकते हैं यहाँ से। और इसी तरह का एक जो घर के ये राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड पे भी नलका वहाँ पे बना हुआ है सिस्टम, तो आसानी से इस साइड पे पाइप लगा के इस साइड पे देते हैं, फिर दूसरे साइड पे पाइप लगा हुआ होता है आप दूसरे साइड पे दे सकते हो पानी, तो ये नहीं है कि इतना लंबा सब वहाँ तक खींच ले, तो दोनों साइड पे बनाया है, तो हर घर में ये होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को घर का सिस्टम भी नए मेरे कमिंग वीडियो में जो है कि किस तरह घर बने हुए हैं, किस तरह कूलिंग सिस्टम है, गैस का है, लाइट वगैरह, फ्लोरिंग, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि वो जितना मैं कर सकती थी मैंने वो घास को दरमियान में से निकाल लिया, अभी मैं पानी सबको दूंगी। तो ये जो फुवारा है वहाँ से जो है वो खुला हुआ है वाल, तो यहाँ पे ये स्टार्ट और बंद होता है।
ये खरीद से मेरा पौधा देखा, बहुत खुश है आज, इसकी शावर हो रही है। ये आगे से आप लोग गमला देखें, क्यारी, ये क्यारी मेरी देखे कितने वो जो है साफ हो गई, तो अभी अच्छी लग रही है। पहले जो थी ऐसे जैसे बंदे के बाल नहीं है जो अजामत के बगैर वो होती है, तो इस तरह का ग्रास पौधे क्यारियाँ सब लगती है। तो जब आप लोग इसकी सफाई करते हो, कटिंग करते हो, पानी देते हो, तो वो भी ऐसा होता है जैसे बिल्कुल वो इमाम से जो बाल सेट करके दाढ़ी बना के निकल लेते हो। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये गर्मी तो है ज्यादा, तो फिर आप काम करो तो वायरस फिर और ज्यादा जो है पसीना आता है, गर्मी लगती है। लेकिन ये पानी के फुहारे की वजह से जो है ये हवा में मिल जाए तो फिर ठंड होती है, और फिर पानी का काम वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा घर बिछा देखे, जो फवारा नुमा बना हुआ है इसमें इतने सारे जो है वो पानी के सिस्टम है कि अभी ये एक हो गया तो ये दूसरा, इसको मिस्ट कहते हैं, स्ट्रीम, कौन, शावर, फुल प्लेट, वर्टिकल, वापस आ गए। तो पता नहीं 10 तो तकरीबन है, अभी मैंने गिने नहीं है। तो जो पौधों और ग्रास को मैं पानी देती हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 लिए। एक तो ये फवारा हो गया जिसको आपने देख लिया कितने सिस्टम है, दूसरा ये हो गया, ये फिर वो जो खम जगह यानी इस साइड पे जो खम जगह ग्रास के लिए तो के बगैर आप साथ में ना हो सिर्फ रख दो, तो मैं 10-15 मिनट तक रख लेती हूँ, फिर आके इसको आगे कर लेती हूँ, तो इसी तरह सारे ग्रास को जो है वो पानी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो पौधों को और क्यारी को पानी देती हूँ तो वो मैं खुद यानी खड़ी रहती हूँ, उसको उस हिसाब से पानी देना पड़ता है। लेकिन ग्रास को, इतने बड़े ग्रास को कोई बंदा खड़ा होके पानी नहीं दे सकता, ना ही टाइम होता है इतना ज़्यादा। तो ये जो तो ये छोटा सा फवारा है, ये जे तो पूरे सर्कल में ये जो है पानी दे रहा है ग्रास को, आप देख सकते हो जितना उस साइड पे उतना इस साइड पे, चारों तरफ जो है इसको पानी देते हैं। तो एक और भी है मेरे पास, वो फिर ये फिर सर्कल वाले एरिया में रखती हूँ, वो फिर थोड़े से जो सीधा होता है यानी अभी ये वाला मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो है ये भी ग्रास को पानी के लिए हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। तो वो वाला तो जो था सर्कल वाले एरिया में मैं इस्तेमाल करती हूँ, और ये फिर बड़ा, इसको बड़ा सा जो एरिया होता है प्लेन, तो उसमें फिर क्योंकि ये बड़ा वाला है तो उसको फिर उस हिसाब से फिर इसको रखते हैं। अभी मैं इसको, ये पानी सारा मेरे ग्लासेस पे आ गया,
कोई बात नहीं, मुझे पानी भी पसंद है। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो यहाँ से लेकर आखिर तक जो है, फिर सारे इस एरिया को पानी पानी हो जाता है ये वाला। जो ड्राइववे है वहां से लेकर यहाँ तक, तो ये काफी जगह है, 20 फुट तो यहाँ से वहां तक है, तो ये 20 फुट जो है वो हेलो कवर कर लेता है। से वो बड़ी आप लोगों ने देखी है कटिंग वाली मशीन, वो तो घास के लिए जो दरमियान में है उसको काट के इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, लेकिन ये जो है फिर किनारे, जैसे ये घास कटा हुआ है तो इसके किनारे जो है वो यानी पूरी तरह से उसकी जो है वो हेयर स्टाइल नहीं बनाए, तो उसके लिए साइडों के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो है वो जैसे बारीक सी रस्सी होती है, तो ये खुद फिर निकलती है, कटती जाती है, और तो ये कटती है इसके, ये इतनी तेज़ चलती है कि इससे जो है वो घास कटता है। तो इसको, इसमें जो है वो लोहे का भी आता है, जैसे ब्लेंडर वगैरह में हो उसका वो, हम लोग चाड़ा उसको कहते हैं पश्तों में, तो वो इस्तेमाल होता है उसमें। तो इस अगर वो करे तो ज़ाहिर है हम लोग इतने प्रोफेशनल तो नहीं है, तो अगर वो सिमट पे आ गया तो वो टूट सकता है। तो ये वाला आसान सा है, हर जो नए लोग नए कटिंग वाले हैं तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अगर ये फर्श पे लगे भी ना तो टूटने का कोई खदशा नहीं है, ना फर्श का और ना मशीन का। तो आप इसको मैं बताती हूँ कि इससे हम लोग कैसे सेटिंग करते हैं। ये वाली मशीन भी बैटरी से चलती है, बैटरी को चार्ज करके फिर इसको लगाते हैं, तो वो किसी मखसूस टाइम तक जो है वो फिर चलता है। तो ये इसको जो ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे जब तक हम लोग चलाएंगे, और यहाँ पे टायर भी पड़े तो आप इसको एक साइड से ऐसे रखें कि ये इसकी मदद से आप आगे आसानी से जा सकते हैं कि किस तरह जाए। तो अभी मैं आप लोगों को, वायर का मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ, तो मैं सिर्फ नहीं कर सकती, मेरा मेरे बच्चे भी होते हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होता है, तो अकेली मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, तो उनकी मदद से पूरा इसको मेंटेनेंस रखते हैं। हर दो हफ्तों में, अगर दो में नहीं हो सका तो तीन हफ्तों में तो लाजमी करते हैं। और घर के अंदर के पौधों का के पानी कैसे देते हैं, तो दो वीडियोस तो मेरी पहली है कि
के उसमें मैंने पौधों को दिखाया था नया पौधा कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो हूँ कि पानी कैसे देते हैं और कितना देना चाहिए, कैसे चेक करना होता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। तो ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, नए जगह में या नए रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का और लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो खुदा पामान पमखमश अल्लाह हाफिज़।